हेलो फ्रेंड्स, नया टॉपिक है अपने पास आज लिमिट एंड डेरिवेटिव, दैट इज चैप्टर नंबर 13 ऑफ द एनसीईआरटी। उसमें आज हम लोग पहले लिमिट करेंगे, फिर लिमिट के इक्वेशंस करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग डेरिवेटिव्स करेंगे। दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, बिना लिमिट पढ़े हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं, बट लिमिट के लिए डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लिमिट्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एनीथिंग। ठीक है, हर एक चीज की कोई ना कोई तो लिमिट होती है। ठीक है, उस लिमिट में रहना चाहिए, है ना। सपोज करिए कि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हम लोगों की, अगर ऑफलाइन क्लासेस में आपका टाइम 3 o'clock से है, सो 3 o'clock आप कहां पे होने चाहिए, इनसाइड द इंस्टीट्यूट, यस और नो, या एट द इंस्टीट्यूट, दोनों चीजें हो सकती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि पेरेंट्स काफी क्यूरियस होते हैं बच्चा पहुंच गया कि नहीं, होता काफी वरीड होते हैं, तो वो 2:59 पे कॉल करते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, हम मम्मी पार्किंग में हैं, या आप बोल सकते हैं कि हाँ कोचिंग में। सम टाइम इट हैपेंस कि 2:59 पे कॉल करते करते उनकी कॉल जो होती है वो 3 o'clock लगती है, या 3 o'clock 1 minute पे लगती है, तो भी वो क्या होता है कि हम लोग मैंने 3 बजे कॉल किया। ठीक है, तो जैसे आप घर पहुंचते हैं, यहां से मान लीजिए 4 o'clock आप छूटे, घर जाने का 15 मिनट रास्ता, तो कितने बजे आप घर पहुंचेंगे, 4:15 पे। बट नेवर एवर यू विल रीच एट 4:15, इट मे हैपन यू रीच एट 4 hours 14 minutes 59 seconds और 4 hours 15 minutes 1 second। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, एग्जैक्टली शार्पनेस नहीं होती। तो वही चीज यहाँ पे भी हम दोनों को क्या बोलेंगे, 4:15। ठीक है, क्वार्टर पास्ट 4, 4:15 जो भी बोलना है, हमेशा यूजुअली ये बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल से कितने बजे छुट्टी होती है, 12:30 पे होती है, तो सम टाइम की वॉचमैन जो होता है 10 सेकंड पहले बेल मार देता है, या उसको पहुंचने में 10 सेकंड लेट भी हो जाता है, बट स्टिल ही विल से कि हाँ जो हमने 12:30 पे बेल मारी है। गेटिंग द पॉइंट ना, तो जब कोई बीच में बहुत ज्यादा आउट ऑफ सडन चेंजेस नहीं होते हैं, 10-5 सेकंड 20-25 सेकंड का ऊपर नीचे होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये हमारी लिमिट है 12:30। ठीक है, यहाँ पे एंट्री मारने की 3 o'clock है, घर पहुंचने की 4:30, 4:15 है, भले 10-15 सेकंड ऊपर नीचे, इवन समटाइम 1 मिनट विल बी कंसिडर्ड एज ओके। ठीक है, तो लिमिट क्या बताती है कि उस ड्यूरेशन में हम कहाँ होने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट पे नहीं होता, हमेशा नियर बाई वैल्यूज पे हम चेक करते हैं, हमेशा थोड़ा सा आगे पीछे हम लोग वेरीफाई करते हैं कि वो चीज सही है कि नहीं है, और उसको बोलते हैं कि हाँ वहां पे क्लियर है बात की नहीं है। जैसे सपोज करते हैं कि एफ एक्स इज एनी फंक्शन, लेट से एक्स, एक्स ही लेते हैं। ठीक है, और हमें बताया जा रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो हम 1 के नियर बाई जाएंगे, तो क्या हो सकता है, 1 के नियर क्या होता है, 0.9 होता है, 0.99 होता है, 0.999 होता है, या 1.001, 1.01 या 1.1, इस तरीके से ढेर सारी वैल्यूज ले सकते हैं हम लोग, जो मर्जी वो वैल्यू ले, बट नियर बाय। तो एफ एक्स कितना होगा, 0.9, तो यहां पे देखेंगे तो 1 के नियर कौन है, 1 के नियर बाय एकदम क्लोजेस्ट ये दोनों वैल्यू है, as x is closely approaching to 1, these are the value, and corresponding to that these are the value of fx. So when x is approaching to 1, या तो left hand side से approach कर रहा होगा या तो right hand side से approach कर रहा, मतलब left hand side का मतलब 1 से थोड़ा कम, राइट हैंड साइड का मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा, तो उस टाइम पे fx की वैल्यू भी क्या हो रही है, 1 को approach कर रही है। तो इसी चीज को लिखा जाता है कि लिमिट व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू 1, एफ एक्स इज एक्चुअली ट्रीटेड एज 1, कि जब एक्स की वैल्यू 1 के पास पहुंच रही है, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। ठीक है, मैं वो भी लिख देता हूं, LHL को बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू, यहां पे 1 पे चेक करें तो 1 से स्लाइटली कम, एफ एक्स की वैल्यू क्या है। आरएचएल बोला जाता है राइट हैंड लिमिट, ये बोलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 से
थोड़ा ज्यादा पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है. सो वी आर मूविंग अहेड ऑफ एनी नंबर्स, इट विल बी आर एच एल राइट हैंड लिमिट. व्हेन वी आर प्रीसीडिंग सम वैल्यू, कुछ पहले की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट. 3 बजे आपको मम्मी का कॉल आना था, अगर उन्होंने 259.58 पे कॉल किया, दैट विल बी द लेफ्ट हैंड लिमिट. अगर उन्होंने 3:02 सेकंड पे कॉल किया, देन दैट इज नोन एज द राइट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर द नियर बाई वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. क्लियर है बात. सपोज करिए कि मैं आपका वेट पूछता हूं, तो सम स्टूडेंट विल से कि सर 50 kg. एक्चुअली तो 50 kg नहीं हो सकता है, इट मे बी 49.9, इट मे बी 50.1, इट मे बी 49.993, इट मे बी 50.0007. तो हम दोनों को क्या बोल देते हैं, 50. हाइट की अगर बात करें, सो दैट पर्टिकुलर फेलो सर सेज, सर माय हाइट इज 165 cm. आई विल से नो, इट मे बी 164.937 cm, इट मे बी 165.002 cm. सो स्लाइटली, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नियर बाई की बोलेंगे. दुकान पे आप जाते हो, बोलते हो भैया 1 kg आलू दे दो, 1 kg टमाटर दे दो, क्या वो एग्जैक्ट 1 kg देता है? नहीं, एग्जैक्ट 1 kg नहीं दे रहा, थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम. गेटिंग द पॉइंट ऑर नॉट. आजकल तो हम लोग पेट्रोल जो होता है 500 रुपए के हिसाब से भराते हैं. अगर अपन वैसे जाएंगे या 1 लीटर भर दो, तो वो लोग क्या करते हैं, 0.998 भरते हैं या 1.00 समथिंग करते हैं. गेटिंग इट नॉट. जैसे बोल दो भैया टंकी फुल कर दो, तो वो 699 रुपए पे बंद कर देंगे या 698 पे बंद कर देंगे, क्योंकि थोड़ा और दबाएंगे तो 700 से आगे क्रॉस कर जाता है. तो हम बोलेंगे कितने का पेट्रोल है, 700 का. सो ये सब प्रैक्टिकल रियल लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स है जो हर जगह यूज में आते हैं, और मैथमेटिकली हमने ये चीज देखा. अब बात आती है कि इसको इंप्लाई क्या करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, और लिमिट निकालते कहाँ पे हैं. तो कुछ क्वेश्चंस के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ अलजेब्रा पे वर्कआउट करेंगे. तो लिमिट जो एक चीज समझनी थी कि लिमिट हम नियर बाई वैल्यूज पे निकालते हैं, और वही एक्चुअल वैल्यू भी होगी. अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. Limit of sums is equal to sum of limits. That is, limit x tends to a, fx plus gx is equal to limit x tends to a, fx limit x tends to a, gx. दोनों का सम है तो ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, लिमिट ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये डिफरेंस बोलते हैं, लिमिट ऑफ डिफरेंसेस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लिमिट्स. दैट मीन्स limit x tends to a fx minus gx is equal to limit x tends to a fx limit x tends to a gx. fx और gx से दो वैल्यूज निकल जाएंगे. थर्ड अगर करें तो limit of product is equal to product of limits. That implies limit x tends to a, limit नहीं बदलेगी. अगर यहाँ पे है, अगर suppose पे हम b कर देते, थोड़ी देखते, fx into gx है, तो यहाँ पे भी limit x tends to b fx, limit x tends to b gx. Clear हो गई बात. Fourth आ जाएगा division. Limit of division is equal to division of limits. That is limit, suppose करते हैं कोई दूसरा x is equal to p ले लेते हैं, fx divided by gx. तो ये क्या हो जाएगा, limit x tends to p fx
लिमिट x टेंड्स टू p, ठीक है, विद द कंडीशन कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वेयर gx इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये एक बेसिक चीज है कि लिमिट सीधा सीधा अंदर घुस जाता है, यहाँ पे प्लस है तो लिमिट दोनों में लग जाएगा, माइनस है दोनों में लग जाएगा, प्रोडक्ट है दोनों में लग जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है दोनों में लग जाएगा, पावर है तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। लिमिट एफ एक्स की पावर जी एक्स है एक्स टेंस टू ए इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ये गलती मत कर देना कि दोनों पे लगा दो, यहां मैंने क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा ना, नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन तक बात सही है, पावर में ये बात नहीं होगी, क्लियर है। तो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके बाद कुछ और कंसेप्ट में आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। इतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपके लिए, एक्सरसाइज से ही लेते हैं। Evaluate the following limit, ठीक है, limit x tends to 3, 3x, exercise 13.1 का first question है, limit x tends to 3, x plus 3, तो x की वैल्यू क्या पुट करना है यहाँ पे 3, so 3 plus 3 is equal to 6, आपका मतलब वो यहाँ पे 2.999 पुट करेंगे, तो overall 5.999 आएगा, 3.001 पुट करेंगे, तो 6.001 आएगा, तो दोनों को ध्यान से देखेंगे तो 6 के नियर बाई है, तो हम क्या बोलेंगे, simply 6, limit r is equal to 1, pi r square, that is pi into 1 square, that is nothing but pi, so our answer will be pi, clear है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, सीधे वैल्यू डाल के ही चेक कर लेते हैं, इतना आसान है हाँ, लेकिन कई बार वैल्यू डालेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, कुछ अपसेट वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, 1/0 आ जाएगी, तो वहां पे हमें उसको सुधारना पड़ेगा, और वहीं पे लिमिट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, x टेन x फाइव वन, लिमिट x टेंस टू x टेन x फाइव वन, x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, वैल्यू क्या डालनी है, माइनस 1, सो माइनस 1 पावर 10 माइनस 1 पावर 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, कितना हो गया, माइनस की पावर इवन नंबर माइनस की पावर ऑड नंबर डिवाइडेड बाय माइनस 2, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2, दैट इज माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2 इज अवर करेक्ट आंसर, क्लियर है। अगर अब इसी क्वेश्चन को मैं सेवेंथ के लिए लेके चलता हूं तो वहां पे अब हमें कुछ सीखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट क्या है, x टेंस टू 2, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 x माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें x की वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 into 2 square minus 2 minus 10 divided by 2 square minus 4, that is 12 minus 12, 4 minus 4,
दैट इज 0/0 फॉर्म आया जो कि नॉट डिफाइंड है, अनडिटरमिनेड फॉर्म है। 1/0 को इंफिनिटी एक बार को मैं लिख सकता हूं, लेकिन 0/0 क्या है? अनडिटरमिनेड फॉर्म है। तो जब अनडिटरमिनेड फॉर्म आता है तो वहां पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के कई तरीके हैं, फैक्टराइजेशन है, रेशनलाइजेशन है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो अब हम लोग वहां पे वर्कआउट करेंगे। तो बात समझे कि पहले हमें सिंपली वैल्यू डाल के चेक करना है, अगर आंसर आ गया तो सही है, लेकिन कुछ रिडंडेंट वैल्यूज होती हैं, कुछ नॉट डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, अनडिटरमिनेड वैल्यूज होंगी, उनको हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा। कौन कौन सी इस तरीके की वैल्यू है वो भी हम बताते हैं, ठीक है। तो ये 1, 3, 5 क्वेश्चन तो क्लियर है। सेवेंथ में आके हमारी गाड़ी रुकी, सेवेंथ में गाड़ी रुकी तो सेवेंथ हम सीखेंगे, दैट इज लिमिट यूजिंग फैक्टराइजेशन। जैसे ये इक्वेशन था लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर माइनस x, x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। तो यहां पे क्या लिखा मैंने, 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। अनडिटरमिनेड फॉर्म कितने होते हैं वो भी बता देता हूं। 0/0 को अनडिटरमिनेड फॉर्म बोलते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को बोलते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी। स्पेशली हमारे पास ये तीनों सबसे ज्यादा आएंगे, उसके अलावा क्या होता है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइंड रहेगा, 0/∞ नॉट डिफाइंड रहेगा, इन्फिनिटी अपॉन 0 भी नॉट डिफाइंड रहेगा, लेकिन मेन फोकस हमारा इन तीनों पे ही रहने वाला है, 0/0, इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट, 1 पावर इन्फाइनाइट। बाकी 0 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है वो भी नहीं पता, इन्फिनिटी की पावर 0 क्या होता है वो भी नहीं पता, क्लियर है। लेकिन आवर मेन टारगेट विल बी दीज 3 फेलो, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है वो भी नहीं पता। फिलहाल हमारे पास अभी क्या आया, 0/0 का फॉर्म आया। जब ये 0/0 का फॉर्म है, जब ये 0/0 का फॉर्म है तो लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको फैक्टराइज करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x-2 x+2, और न्यूमिरेटर को थोड़ी सी मेहनत के साथ करना पड़ेगा, 36 5 6x 5x-2, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x x-2 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 x+2, लिमिट x टेंड्स टू 2, x-2 3x+5 x-2 x+2, कैंसिल आउट। अब x की वैल्यू क्या पुट कर दिया, 2, 3 into 2 plus 5 2 plus 2, दैट इज 11/4 विल बी अवर आंसर। 11/4 इज अवर करेक्ट आंसर, क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके हम चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax + b cx + d। लिमिट जो है 0 को टेंड कर रही है, ax + b upon cx + 1, कोई बात नहीं, सीधे वैल्यू ही डालेंगे, कितना हो जाएगा, a × 0 + b c × 0 + 1, दैट इज b/1, सो द करेक्ट आंसर इज b फॉर बॉम्बे। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात भी आप लोगों से कर लूं, तो ध्यान से देखेंगे, 11th में बोला जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या दिया हुआ है, ax² + bx + c,
डिवाइडेड बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, दैट इज लिमिट x टेंस टू 1, x की वैल्यू टू 1. तो अब यहां पे 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 स्क्वायर, b इंटू 1, c इंटू 1 स्क्वायर, b इंटू 1 प्लस a, दैट इज a प्लस b प्लस c, c प्लस b प्लस a. अच्छे से लिखें तो न्यूमरेटर क्या है, a प्लस b प्लस c है, डिनोमिनेटर क्या है, a प्लस b प्लस c. तो दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो सम दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है. अगर सेम क्वांटिटी आपस में डिवाइड होंगी तो आंसर कितना निकल के आएगा, 1. सो 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर लिमिट. क्लियर है. इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की. ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें आने वाली है वो हम लोग देख सकते हैं. लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, That is limit x tends to 0 पे sin x upon x की वैल्यू 1, limit x tends to 0 पे tan x upon x की वैल्यू 1, limit x tends to 0 पे cos x upon x की वैल्यू infinity, that is not defined. होता क्या, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ कि जब थीटा एकदम छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा और थीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी. जब यहाँ पे टेन एक्स और एक्स एक्स एकदम जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1. कॉस एक्स अपॉन एक्स भी कितना हो जाएगा, 1. लेकिन इसमें मैं एक पूरा डिटेल डेरिवेशन आपको एक का बता रहा हूँ कि वाई साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1. मैं पूरा प्रूफ दिखा रहा हूँ, tan और cos का आप खुद से करेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर प्रैक्टिस में मैंने बताया था कि sin x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इसका यूज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किया था, बाइनोमियल थ्योरम में भी आई थी बातें, ठीक है. सो sin x अगर x से दोनों साइड डिवाइड कर दे तो दिस इज 1 माइनस x square upon 3 factorial, x की पावर 4 upon 5 factorial, x की पावर 6 upon 7 factorial. दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे तो लिमिट x tends to 0 पे ले रहा हूं मैं. sin x upon x is limit x tends to 0 1, limit x tends to 0 x square upon 3 factorial, limit x tends to 0 x की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा. दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो वैल्यू कितनी निकल के आई, 1. तो sin x अपॉन x की लिमिट कितनी होती है, 1, जब x टेंस टू 0 है. क्लियर हो गया इतनी बार. उसी तरीके से tan x का भी डेफिनेशन आप जाके देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा और बाइनोमियल थ्योरम मिल जाएगा. cos x का एक्सपेंशन भी आप चाहेंगे तो मिल जाएगा, cos x इवन फंक्शन है तो cos x का अगर आप एक्सपेंशन लिखना चाहें, सो दिस इज सिंपली 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल. क्लियर है बात. तो इस तरीके से साइन कॉस टेन तीनों के एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन कहां से है, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिराइव करके बताया हुआ, e की पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, वहीं से ये सारी चीजें आई हैं. एक बार इतना नोट डाउन करिए आप लोग. इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कांसेप्ट के पास, दैट इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. क्लियर है इतनी बात, यस, रब कर दूं. नहीं नोट किया तो पीछे रिवाइंड करके नोट कर लीजिए, फिर से देख के नोट कर लीजिए, जैसे भी करना है, क्योंकि अब हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास. क्वेश्चन नंबर है 13. क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट
x tends to 0 sin ax upon bx. एक बार इसको ट्राई करिए आप लोग. क्या विचार किए इसके बारे में कि sin ax upon bx का लिमिट x tends to 0 पे क्या आंसर आना चाहिए? आया कुछ? That is question number 13. हमने क्या सीखा? We know that sin x upon x, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और है. तो we know that limit x tends to something, चलो 0. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sin something upon same thing. जो ऊपर something है वही same thing नीचे भी होनी चाहिए, तब इसकी वैल्यू 1 होगी. ठीक है, यहां पे ax है तो नीचे भी ax ही होना चाहिए. दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax b x हो गया, ऐसे लिखते. दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax b. a नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 a sin ax b ax. So sin ax upon a, ax 1. So the answer will be a by b into 1, that is a upon b. कुछ दिन में आपको प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप इसको फास्ट कर पाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हमें इस तरीके से करना रहेगा कि sin जो भी चीज है वही सेम थिंग नीचे भी बने. ठीक है, सपोज करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं. समझ आया ना? क्वेश्चन नंबर था ये 13 और एक्सरसाइज थी ये 13.1. अब है क्वेश्चन नंबर है 15. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. लिमिट x टेंड्स टू पाई, जीरो नहीं है, कुछ और वैल्यू आ गई, x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस x अपॉन पाई माइनस x. अब इसको अगर डायरेक्टली x की वैल्यू पाई रखेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 और नीचे भी 0, मतलब ये 0 बाई 0 का फॉर्म हो गया. तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो हमें मैथ्स लगानी पड़ेगी लिमिट निकालने से पहले, क्योंकि 0 बाई 0 जो है वो अनडिटरमिंड फॉर्म है, तो हमें उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा. क्या किया जाए, कैसे करें, इसको करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको सिखाता हूं. कि जब भी इस तरीके की चीज दी हुई है, गिवन x tends to pi, that means x minus pi tends to 0. हमेशा tends to 0 वाला ही काम करो, 100% करेक्ट आंसर आएगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे. Let x minus pi is equal to y, तो x कितना हो जाएगा, pi plus y. ठीक है, तो लिमिट क्या हो गई, y tends to 0 हो गई, क्योंकि x tends to pi था, तो x minus pi tends to 0 हो गया, मतलब y tends to 0 हो गया. और जहां जहां x है उसकी जगह क्या हो जाएगा, pi plus y. जहां जहां x है उसकी जगह क्या हो जाएगा, pi plus y. लिमिट y tends to 0 sin pi minus pi minus y, pi minus pi minus y. पाई कैंसिल विद पाई, पाई कैंसिल विद पाई, हमारे पास क्या आया, लिमिट y टेंड्स टू 0 sin माइनस y अपॉन पाई माइनस y. फिर से बन गया sin समथिंग अपॉन सेम थिंग, तो ये इतनी चीज कितनी हो गई, 1. सो 1 अपॉन पाई इनटू 1, सो द आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय पाई. क्लियर हो गई बात, इतनी समझ में? तो जब कभी हमारे पास 0 के अलावा कुछ और रखा है, सो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द लिमिट्स. क्लियर होगी बात इतनी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17. दिखाई सुनाई दे रहा बड़ी एकदम परफेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज सेम कॉस 2x माइनस 1. ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज दैट. लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 cos x माइनस 1. x की वैल्यू 0 डालेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1,
1 माइनस 1 जीरो, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो ये बना अपना 0 बाई 0 का फॉर्म। लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। ये बात समझ में आई, ये 1 इस माइनस 1 के साथ गया, ये 1 इस माइनस 1 के साथ गया, हमें मिला लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2, माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां पे क्या है, sin स्क्वायर x है और यहां क्या है, sin स्क्वायर x बाय 2। sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 का स्क्वायर है और नीचे क्या है, sin स्क्वायर x बाय 2 है, that is limit x tends to कितना 0, 2 का स्क्वायर 4, sin स्क्वायर cos स्क्वायर, that is 4 sin स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 sin स्क्वायर x बाय 2, cancel cancel, अब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो हमें मिलेगा 4 cos स्क्वायर 0, that is 4 into 1, that is 4, ये हमारा आंसर निकल गया है। अप्रोच समझ में आई कि हमने पहले ये जो 1 था इसको हटाने के लिए cos का फॉर्मूला लगाया, cos 2a का फॉर्मूला 1 minus 2 sin स्क्वायर a, x था तो x by 2 हो गया, 1 1 कैंसिल हुए, minus 2 कैंसिल हुए, sin 2a का फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगा समझ में आया, sin x is equal to या sin a 2 sin a by 2 cos a by 2, क्लियर हो गई बात इतनी अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, कहीं पे कोई डाउट है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर एक चीज का सलूशन मिलेगा आपको। इट सेज लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू सेकंड्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू sec x, तो x की वैल्यू 0 डालेंगे कितना, 0 into sec 0, sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती, कोई दिक्कत ही नहीं, 0 into 1 0, यही अपना आंसर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आसान क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं, तो ये आसान क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास, क्वेश्चन नंबर है 21 अपने साथ, क्या हो रही बात यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x minus cot x, अब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये भी भैया इंफिनिटी हो गए, ये भी इंफिनिटी हो गए, मतलब ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म हो गया जो कि अनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री खेलनी पड़ेगी, तो सबसे अच्छा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, sin cos में कन्वर्ट कर दो भाई, 1 sin x cos x upon sin, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 cos x के लिए क्या लगेगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2 और यहां बचेगा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, टेंशन बिल्कुल मत लेना, सब आसानी से होगा, ये 1 इस माइनस 1 को लेके उड़ गया, ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस बन गया, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखने को मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय 2 है तो दो बार लिख दिया और नीचे कितना आया 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, 2 2 के साथ कैंसिल हुआ, sin x बाय 2 sin x बाय 2 के साथ कैंसिल हुआ, सो लिमिट x tends to 0 tan x by 2, अब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो कितना आएगा, tan 0 जिसकी वैल्यू कितनी हुई 0, so the answer is 0, बोलोगे सर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 होता है, मैं बोलूंगा ना,
कई लोग बोले कि साहब ये भी इंफिनिटी वो भी इंफिनिटी, इंफिनिटी में से माइनस टू आई इंफिनिटी जीरो आ जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? एक लेक है, तालाब है, तालाब में कितने पानी होंगे? इनफाइनाइट में ही। एक रिवर है, उसमें कितना पानी होगा? इनफाइनाइट में ही ड्रॉप्स होंगे। क्लियर है? लेक और रिवर, ठीक है। अब लेक माइनस रिवर करोगे तो कितना आएगा? माइनस इंफिनिटी। और रिवर माइनस लेक करोगे तो प्लस इंफिनिटी। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? इसी तरीके से सपोज करो कि आप कोई रिवर की बात कर रहे हो और ओशियन की बात कर रहे हो, तो रिवर माइनस ओशियन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ओशियन में से हटा देंगे अगर अपन कोई रिवर तो क्या होगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को माइनस करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा कि माइनस इन्फिनिटी आएगा। दैट्स द रीजन इट इज नोन एज द अनडिटरमिनेड फॉर्म। क्लियर है? मेरे सेगमेंट फाइनली बॉल में बार यहां से मैंने इसे खींच के फेंक दिया इतना, तो कितने बचे सेगमेंट? प्लस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है। क्लियर होगी बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। कोई डाउट हो इसके अलावा इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो भी मैं बताऊंगा। 22 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 23 आएगा ना। ऑड नंबर्स इज माइन, इवन नंबर्स इज योर, दैट्स माय प्रिंसिपल। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx and limit x tends to 1 fx find करना है। fx is given, fx कितना दिया हुआ है भाई? 2x plus 3, 3x plus 1 when x is greater than 0, when x is less than or equal to 0। x की वैल्यू अगर 0 है, 0 से छोटी है, तो उसका आउटपुट आ रहा है 2x plus 3 and the value of x is more than 0, then the output is 3x plus 1। Clear? So the first part is find the limit fx, limit x tends to 0। जब x की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है तो उस समय हमें इसका fx निकालना है। अब लेफ्ट हैंड 0 से पहले कोई और है, 0 के बाद कोई और है, तो यहाँ पे हमें दोनों के पास जाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान से समझिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 से थोड़ा कम fx, लिमिट 0 से थोड़ा कम, 0 से कम पे फंक्शन क्या है? 2x plus 3, that is 3x की वैल्यू 0 डालें। राइट हैंड लिमिट की अगर बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 plus fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 plus, अब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x plus 1 और 0 डालेंगे तो 3 0 plus 1 कितना आ गया? 3। Since LHL is equal to RHL तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और हम बोलेंगे लिमिट x tends to 0 fx कितना निकल के आया? 3। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसी का बोल रहा है वो भी यहां पे हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx कहां पे निकालना है? जब 1 को टेंड कर रहा, 1 को टेंड कर रहा मतलब किसके पास जाएगा? इसी के पास जाएगा, 0 से बड़ा है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 3 ब्रैकेट x plus 1, दैट इज 3 ब्रैकेट 1 plus 1, दैट इज 3 2 जस्ट 6। सो दिस इज आवर आंसर फॉर लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। जब x की वैल्यू 1 की तरफ टेंड हो रही है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर होगी बात? तो इसको बोलते हैं पीस वाइज डेफिनेशन, दो अलग अलग पार्टीशन में डेफिनेशन दिया है तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर? इतना इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलते हैं 25 के पास। Evaluate limit x tends to 0 fx. fx is given as mod x upon x, mod x upon x when x
is not equal to 0 and when x is equal to 0 it is 0. अब mod x है तो वो क्या हो सकता है, दो पार्ट में ब्रेक होगा, या तो प्लस x या तो माइनस x. तो हम fx को ही और अच्छे से लिखते हैं, this is x upon x minus x upon x and 0 when x is equal to 0, when x is less than 0, when x is greater than 0. That is fx is equal to 1 minus 1 0 depending x is equal to 0, x less than 0, x greater than 0. x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो fx की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 से कम है तो fx की वैल्यू -1 है, और x की वैल्यू 0 पे fx है. हमें लिमिट कहां पे निकालनी है, x टेंड्स टू 0. फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब 0 से थोड़ा कम. जीरो से थोड़ा कम करेंगे तो fx की वैल्यू क्या है, माइनस वन. तो आंसर कितना आ गया, माइनस वन. राइट हैंड लिमिट यहाँ ओके. सो बीच में पावर कट हो गया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, मुझे पता नहीं चला था और मोबाइल बंद हो गया था, इधर तो व्हाइट बोर्ड पे था. तो क्वेश्चन नंबर 25 हमने कंप्लीट कर दिया था. 25 में जो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे वैल्यू माइनस वन आ रही थी और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे वैल्यू प्लस 1 आ रही थी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं थे, इसलिए वहां पे हमने बोला कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, मैं पढ़ाते पढ़ाते 29 का 31 पे पहुंच चुका था, देन आई रियलाइज कि हाँ मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है क्योंकि चार्जिंग पावर खत्म हो गया था. ठीक है, तो ये 25 यहाँ पे कर दिया. मैं 27 फिर से करा दे रहा हूँ आप लोगों को. 27 में बोला जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx कितना होगा, दैट इज लिमिट यहाँ पे ये निकालिए इसकी वैल्यू, और fx कितना दिया हुआ है, मॉड ऑफ x प्लस 5. इसको दो पार्ट में लिखेंगे तो इट विल बी x प्लस 5 माइनस x प्लस 5. x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और अगर 0, क्योंकि मॉड जो लगा है x पे लगा है, x प्लस 5 पे नहीं लगा, x पे लगा. ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, लिमिट x टेंड्स टू 5. अब fx क्या, 5 के पास, 5 मतलब 0 से बहुत दूर, 0 से बड़ा, तो वैल्यू क्या जाएगी, x प्लस 5. तो अगर अब x की जगह 5 डालेंगे तो वी विल गेट 5 प्लस 5, द आंसर विल बी 10. क्लियर है, तो अपना आंसर कितना निकल के आएगा इसके लिए, 10. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पास, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है. ठीक है, देखते हैं, एक्सप्लेन भी किया था बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, देखते हैं. fx क्या दिया हुआ है, x माइनस ए वन, x माइनस ए टू, x माइनस ए थ्री और x माइनस ए एन. तो x टेंड्स टू ए वन पे निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू ए वन fx. तो fx जो क्या लिखा, x माइनस ए वन, x माइनस ए टू, x माइनस ए थ्री, x माइनस ए एन. अब x की जगह a1 डाला तो a1 माइनस a1, a1 माइनस a2, x की जगह a1 तो a1 माइनस a3, a1 माइनस a1. a1 माइनस a1 कितना हो गया, शून्य हो गया, 0. सो 0 इनटू, अब 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा, 0. सो द आंसर विल बी 0. सेकंड पार्ट इसी इक्वेशन में पूछा गया कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, a1 a2 a3 नहीं बोला, a बोला, कोई ऐसा नंबर जो a1 a2 a3 के अलावा. तो fx पूछा था तो fx की वैल्यू रखा, x माइनस ए वन, x माइनस ए टू, x माइनस ए थ्री, x माइनस ए एन. अब x की जगह a रखेंगे तो a माइनस ए वन, a माइनस ए टू, a माइनस ए थ्री, a माइनस ए एन, और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हमें a की वैल्यू पता है ना a वन a टू a थ्री. यहाँ पे क्या था, एक जीरो हो गया, जीरो से कोई मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा. ठीक है, अगर a1 की बजाय a2 करते तो ये वाला जीरो हो जाता, a2 माइनस a2, a3 करते तो थर्ड टर्म जीरो हो जाता, a4 करते तो फोर्थ टर्म जीरो हो जाता, an करते तो nth टर्म जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोई जीरो नहीं होगा. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे. वो क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 31. मैंने इवन ऑड नंबर के जितने क्वेश्चन थे सब यहाँ पे करा दिए हैं, इवन नंबर में कोई भी डाउट है कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा मैं. ठीक है,
और जितना ज्यादा पॉसिबल हो इसको लाइक करिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन मिल रहे हैं, हर एक चैप्टर 11th के 12th के जी लेवल नीट लेवल सारी चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल है। कोई और पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको सीखना है, कोई कंसेप्ट सीखना है तो उसको भी आप कमेंट करेंगे तो उसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको, अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं या नहीं बना होगा तो बना दे दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर है 31, इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई, दैट इज लिमिट एफ एक्स माइनस 2 अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, या सही किया था मैंने, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज पाई टाइम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज पाई। ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं यहां पे भी। अब ये उठाएंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 2, 2 तो कांस्टेंट है उधर चला गया, और यही वैल्यू हमें निकालनी थी कि